शौचालय दे रहे हैं, कोई शौचालय में नहीं जा रहा, उनको लोकेशन नहीं मिल रहा है, कोई यही शौचालय नोट कर रहा है। सरकार शौचालय पे 12,000 खर्चा कर रही है, क्या होएगा? इधर आओ। साहब होगा, तुम्हारे गांव के आदमी ने एक शौचालय में हमको भेजा नोटिस। हाँ? ये आदमी बाहर जाता है, 12,000 मिला। हाँ? काहे का? लेटरिंग बना। हाँ, मिला? पता नहीं। बाहर शौच करते दिख गए अगर, अब सरकार चाई बेल्ट में नहीं आती है, एकदम ऐसे देहाती गांव तरह सर्वे होता है भैया। हाँ, ये मत समझ लेना कि टाई बेल्ट लगा के आदमी कोट पहन के आएगा, विदेशी वाला काम नहीं है, देहाती क्षेत्र में आएगा आदमी और चेक करेगा तुमको ऐसे ही पेलेगा। अब जमाना देहाती का चल रहा है, सरकार ने आदमियों को लगा दिया है, देहाती भाषा में जाइए, देहाती वेशभूषा में जाइए और चेक कीजिए कौन बाहर लैट्रिन कर रहा है, समझ नहीं बात? हमको घूर कह रहे हैं बे। अरे इमारत का है, हम गए बे। हम चूतिया अधिकारी नहीं, हम पेल के मारेंगे। हम चूतिया इनका मार खा। हाँ, बाहर अगर शौचालय मिल गया करते हुए कोई, अब ना ऊपर, अब नहीं आना, माफ करें। अरे बाहर यार लेडीजे है, बाहर बेटियां तुमको शर्म नहीं आती है? उनको भी बाहर बैठे भाग रहे हो, वो भी लटिया लेके चल देते तो हम कोई नहीं जाता। तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम भी बताना कल से, ठीक है? सबको चला गया। अच्छा, हाँ, कल से मत दिखाई देना, नहीं लोकेशन तुरंत मिलेगा, अगर देख रहे हो ऐसे लोकेशन मिलता है वहीं पहुँचते जहाँ पे आदमी होता है। गलत लोकेशन नहीं मिला है, चलो कोई बात नहीं, कल से मत आना। किनारे किनारे बस लोकेशन डाली, अभी हम पहुंच रहे हैं। ठीक है। अरे हमको लग रहा है वहीं पे ही है। हाँ वहीं पे है। अरे वो रही पुलिया यार। ओके जल्दी से भेजो यार, डालो करंट लोकेशन डालना करंट। ओके बस पहुंचने ही वाले हैं यार, सरकारी काम बड़ा बेतुका है, तो लोकेशन तो यही दिखा रहा है यार। बस हाँ 40 mm दूर है यहाँ से। अरे यही तो है यार, आदमी फरार हो गया है, चला गलत लोकेशन आता है, आदमी पहले भाग जाता है, जैसे हम लोग पुलिस हो गए, आदमी पहले फरार हो जाता है, आदमी बड़ा होशियार हो गया है। चलो कोई बात नहीं। वाह सरकार वाह,
ऐसा सरकार काम दे देती है, लोकेशन बता भेज। अधिकारी जयराम, जय श्री राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, वही सरकारी काम, सुबह सुबह उठो। अच्छा, लोकेशन ढूंढो, लोकेशन पे आदमी फरार हो जा रहा है। हाँ। अभी दूसरा लोकेशन मिला, आदमी छोड़ के भाग गया था। अच्छा, इधर बैठो, थोड़ा थोड़ा वार्तालाप हो जाए। हाँ हाँ भाई, जाए भैया। तब क्या दिक्कत है? बढ़िया, तुम सरकार खैर बढ़िया नौकरी दे दी से है। सुबह रात नहीं कि चल दिया था भाई, अपन मोबाइल ये उबुक तुबुक लेके। भैया नौकरियाँ करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन आदमी बड़े परेशान है यार तुमसे। परेशान अब हम कहा होता यार, अब सरकार कह रहे बाहर मत जाओ। नहीं तो वहाँ तो सरकार बढ़िया काम कर रही, तुम्हू बढ़िया काम कर रहे हो, लोगों का जागरूक कर रहे हो, बाहर ना जाए, गंदगी बाहर ना फैलाए, लेकिन आदमी गांव के गंवारे नहीं है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। बताओ नौकरी पे रखना पड़ रहा है सरकार को। सरकार को नौकरी पे वीकी बात देखा तो हो। अच्छा पर डे आओ तो यो तुमका दो चार कस्टमर तो मिल ही जाते होंगे। अरे कभी मिला लोकेशन फरार हो गया। हाँ मिला मौके पे ही। हाँ तो वही चीज बता रहे हैं कि बताओ ठीक है फिलहाल, लेकिन कुछ ताकत वाकत दिए, मतलब ताकत के मतलब कुछ बंदूक वंदूक दिए, कुछ बंदूक के लिए एक लोग मिले थे भी। हाँ। वही ताले में गिरा गिरा के मारे हैं ऐसे ही। हाँ। हाँ। अरे आपका गांव है यहाँ, लेकिन यो ध्यान कर लियो अधिकारी जी, थोड़ा कुछ पावर हो जाए तो ज्यादा सही है, नहीं तो कोनो ठीक ठाक तुमसे ज्यादा मिलेगा तो हमें मार रहेगा, पे लेके मारियो। ये बात सही है। थोड़ा पावर ले लियो सरकार से, कहीं बंदूक बंदूक ले लो, बंदूक है डंडा कोनो दे दिए या कुछ और दे दिए, वीआईपी चीजें, चलो बहुत चीजें हैं, लेकिन गलत, लेकिन काम अच्छा कर रहे हो है। हम तो कहा भाई हम हूँ आपके सपोर्ट मान, जब से सोच जाने ना है कि अधिकारी लोग अब चेक करे आए, और जब से तुम हमारे इधर क्षेत्र में आयो तब से हम सुबह 4 बजे उठ जाए थे। अच्छा। चले तो अपने ही ताल वाले भी पार्क देखे थे कोनो सार आर बगल में, तुमका हम फोन करके बता दिया भाई। ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। तो इमा बताओ कस्टमर के हिसाब से रुपया मिला था कि सैलरी मिला था? हमको सैलरी मिलती है, हम तो एक कस्टमर के हिसाब मिलते, तो हम कस्टमर तुमका दिया कहीं डूढ़ डूढ़ हम कमीशन मिलते दे तू। नहीं नहीं कमीशन वाला काम नहीं, कोनो काम। अरे देंगे, लेकिन मान लो इसमें फायदा तो होगा नहीं। अब आदमी है उसको समझा देंगे, हाथ पैर जोड़ के मान जाएगा, मार पे झगड़ा करना नहीं किसी से। लेकिन ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हो भाई, जागरूक वाला काम है, तुम टेंशन नहीं, तुम्हें साथ है। ठीक हाँ भैया, साथ में जरूरत पड़ी बताओ। आदमी लोग बड़ा परेशान के। अरे बताओ रोड पे लैट्रिन हो रहा है, कर रहे हैं लोग, गाड़ी आ गई, ऐसा नहीं होने चल गई किसी के ऊपर, कितना गलत हो जाता है। चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलेंगे, बताना भैया कोई लोकेशन हो बताएंगे। ठीक, टेंशन ना लो, बिल्कुल तुमको बताएंगे। राम राम, जय राम, जय राम। हेलो राम राम दोस्तों, क्या है, कैसे हो? बढ़िया है, एकदम मस्त। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक किया गया है कि आप लोग बाहर मत जाएं, अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाएं। देख सकते हैं आप, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं माननीय, वो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे अधिकारियों को देखो भेज रहे हैं कि या कि चेक करें गांव-गांव जाके, ग्राम पंचायत में जाके। तो इसलिए फ्रेंड हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी लोगों से, कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपके आसपास गंदगी हो पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही जानकारी देनी थी। बाकी हाँ, नो युवाओं लोगों से मतलब अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए हमारे विनय भैया से संपर्क कर लीजिएगा, अपनी संस्था में रख लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सुबह मात्र 2 घंटे, शाम को मात्र 2 घंटे काम, ठीक है। बाकी इसमें कस्टमर वाइज पैसा नहीं आता है, सैलरी आती है, अगर कस्टमर वाइज आता तो हम भी शायद पार्ट टाइम काम कर सकते थे। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। सभी लोग शिक्षित हैं, हम जानते हैं, बाराबंकी के लोग हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ जोड़कर विनय है, हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़कर विनय है, स्वच्छता बनाए रखिए, कभी ऐसा गलत काम ना कीजिए कि आपकी वजह से आपकी आने वाली युवा पीढ़ी को भोगना पड़े किसी। एक मिनट, हाँ, स्वच्छता माँ बरकत होती है। हाँ, पुरानी कहावत है। हाँ, स्वच्छता से बरकत सब कुछ होती है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, राम राम, राम, राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।